कैंट, सिप्लैक, ग्लैक्सो, सो मैनी बहुत सारी कंपनियां होती है दवा बेचते थे, लेकिन आज तक रिकॉर्ड में एक 13 साल प्रैक्टिस करने के बाद एक ट्रम्प्स हो जाते हैं। 13 साल मैंने मेडिकल किसी भी दुकान से रिलेशन बनाया और कभी भी एक होली दिवाली कभी भी एक मिठाई का डिब्बा नहीं मिला। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे को मिठाई के डिब्बे की जरूरत नहीं थी, वहां पर भी एक रिलेशन था। 13 साल एक दुकान से हम दवाएं खरीद रहे थे, लेकिन डियर लीडर्स मैं यह बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर मैंने ऐसा क्या कर दिया ध्यान में कि जिसने चाइना मेरे को भेज दिया। सिर्फ और सिर्फ पेशेंट हम वहां पर भी देख रहे थे, पेशेंट हम यहां भी देख रहे हैं, और जब वहां से आए, वहां से आने के बाद मैंने सर से पूरा प्लान सीखा जाना इसके बारे में, और सर ने जैसे जैसे बताया, सर की मैंने हर एक बातों को फॉलो किया, और तब से लेके आज तक मैं आपको बताना चाहूंगा, चाइना से आने के बाद हमारा ड्रीम क्रूज का टूर चल रहा था जो सिंगापुर से था, और 19 मंजिल का जहाज है ड्रीम क्रूज, 7 मंजिल पानी के अंदर रहता है। उस टूर पे हम पहले से चले गए, फिर उसके बाद अब तक चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, और अभी हम दुबई, अभी जैसे सर बता रहे थे हम दुबई 25 तारीख को हम दुबई आए जनवरी में, और अब हम 3 तारीख को फिर जा रहे हैं हम थाईलैंड। देन अभी कौन सा टूर चल रहा है, कौन सा टूर चल रहा है दुबई का, और टाइम क्या है दुबई के टूर का, टाइम है, टाइम था 6 महीने का, यानी 1 जनवरी से मई तक का चल रहा है थी महीना। अभी अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी मई में कितने दिन है, 2 महीने, और आप यकीन नहीं करेंगे मैंने 2 महीने में इस टूर को फाइनल कर दिया, 2 महीने में। और मैं आपको बताना चाहूंगा बिजनेस कितना था, 33 लाख रुपए का 6 महीने में, यानी 5 महीने में 33 लाख लेफ्ट में और 33 लाख राइट में, और ये कितने दिन में अचीव किया, ओनली 2 मंथ में। डियर लीडर्स ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कम से कम अब तक मैं 14 इंटरनेशनल टूर ले चुका हूं, अंदाजा लगा लो 6 साल में स्टैंड हो गया, 14 बार विदेश जाना बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग पैसा मुझसे बहुत ज्यादा कमाते होंगे, लेकिन आप अंदाजे लगाओ विदेश जाने का एक ड्रीम होता है, ये आसानी से पूरा नहीं होता, और 14 बार जा चुका हूं, 15वीं बार हम 3 मई को जा रहे हैं, और उसके बाद 16वीं कंट्री हम इंटरनेशनल अपना कन्वेंशन करेंगे, उसके बाद जो भी टूर आएगा वो 100% अचीव होगा। और डियर लीडर्स ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरा जो लेवल था छोटा, और उस टाइम पे छोटे लेवल पर मेरे को सिर्फ टूर मिलते थे, लेकिन जब से मैं उस कैटेगरी में आ गया, कार पॉलिसी, एक कार पॉलिसी चल रही थी, और पिछली बार जब मैं हमारा कार पॉलिसी में थोड़े से बिजनेस से, यानी कि मैं उस पॉलिसी में था ही नहीं, उस पॉलिसी में नहीं था, तो मैंने हमारे कलावती मैडम है अरविंद यादव सर है, मैंने उनके फोटो लेके देखे कार के साथ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उसी टाइम पे उन पिक्चरों को अपनी आंखों में उतार लिया, और पिछली साल भी मैंने कार अचीव की, अब मैं कार अचीवर की पॉलिसी में आ चुका हूं, पिछली साल मैंने कार अचीव कर दी, और अभी भी कौन सी पॉलिसी चल रही है, कार अचीव की पॉलिसी चल रही है, यानी 1 जनवरी से लेके अक्टूबर 10 महीने की, और उसमें बिजनेस महंगा 7 महीने का, जिसमें ये 5 महीने हो चुका, 5 महीने कंप्लीट गया है, 5 महीने कंप्लीट गया, यानी 100% ये भी कार फाइनल हो गई। और ये कौन सी कार है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गोल्ड लॉयन पर मिलती है, अभी मेरा लेवल गोल्ड लॉयन नहीं है, यहाँ देख रहे हो ब्रॉन्ज लॉयन है, ये गोल्ड लॉयन पर मिलता है 37,50,000, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये ब्रॉन्ज लॉयन से स्टार्ट हो गई है, यानी लोग कहते पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमारे तो खुशी की बात है, मैंने पहली किस्त ले ली और दूसरी किस्त भी आ गई मेरे नाम पे, यानी गोल्ड लॉन होने से पहले ये पैसा भी आएगा। तो ये सब कुछ क्यों हो पा रहा है, इसका एक रीजन मैं बताना चाहूंगा डियर लीडर्स। मैंने आपको शुरू में बताया कभी मैंने डायरेक्ट सेलिंग नहीं की, जैसे बहुत सारे लीडर ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम नहीं सुना होगा, डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं सुना होगा, सेम मैं भी उसी तरह से था, लेकिन फिर भी हर टूर अचीव हो पा रहा है, हर पॉलिसी अचीव हो पा रही है, तो इस घोड़े की लगाम कहीं ना कहीं किसी न किसी के हाथ में है। यस और नो, कहने का मतलब जिस घोड़े को यही नहीं पता कि इसको जाना कहां है, इसकी मंजिल कहां है, दौड़ना कहां है, और फिर भी वो घोड़ा 100% सही दौड़ रहा हो, सही मंजिल पर जा रहा हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस घोड़े की लगाम किसी न किसी के हाथ में है।
तो जब मैं आपको बताना चाहूंगा तो मेरी लगाम है मेरे महागुरु जी मिस्टर सफी मोहम्मद सर, महागुरु जी मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर, जैसे जैसे सर बताते हैं वैसे वैसे मैं करता हूं, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज हम इन अचीवमेंटों को ले पा रहे हैं। डियर लीडर्स, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप 3 स्टार हो, बहुत सारे लोग होंगे 3 स्टार होंगे, आईडी लगाएंगे अभी लगाई नहीं है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। आज हमारे महागुरु जी श्री अरविंद कुमार पांडे सर होने वाले HD साहब हैं, डायरेक्टर सर है, हमारे सफी मोहम्मद सर अपकमिंग डायरेक्टर हैं, और मैं भी छोटा मोटा लेवल मेरा गोल्ड लाइन होने वाला है, और आप सब लोग अभी 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 7 स्टार सारे लीडर्स को देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी नजरों में सबसे बड़ा जो लेवल होता है वो होता है 3 स्टार लेवल। 3 स्टार लेवल को मैं सबसे बड़ा लेवल मानता हूं, क्यों? क्योंकि 3 स्टार लेवल एक वो लेवल होता है, इस लेवल को लेने के लिए हम 1000 बार सोचते हैं। यानी आप अगर किसी को इस बिजनेस को बताते होंगे, और जब आप बताते होंगे कि सर यहाँ पे आपका एक यूजर कार्ड बनेगा जिसमें आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, तो आप बताओ कितने लोग हैं महीनों महीनों नहीं देते, महीनों महीनों सोचने में निकाल देते हैं, हाँ देंगे, हमारा पैन कार्ड नहीं मिल रहा है, बैंक की पासबुक कहीं रखी है। यानी एक डिसीजन लेना जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो है ना सबसे बड़ा लेवल, 3 स्टार सबसे बड़ा लेवल है। और रियल बता रहा हूँ दोस्तों, जिसने 3 स्टार को अचीव किया, जिसने 3 स्टार को अचीव किया वो 100% HP तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अरविंद कुमार पांडे सर भी जब इस बिजनेस में आए थे तो शुरुआत उन्होंने 3 स्टार से की। हमारे सफी सर आए थे, उन्होंने भी बिजनेस की स्टार्टिंग 3 स्टार से की, और कहीं ना कहीं जब मैं भी आया तो मैंने भी स्टार्टिंग 3 स्टार से की। आप सब लोगों का जो भी लेवल है, आप लोगों ने भी अपनी 3 स्टार से की होगी, और जो करने वाले 3 स्टार से करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप अपने एक्टिव अपलाइन की गाइडलाइन में आप काम करिएगा, फोकस करके काम करिएगा। मेरे भी इतने टूर इसलिए हो पाए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सर बताते गए वैसा काम करता गया। आज बहुत सारी कंपनियां, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, अब जब मेरा ये लेवल हो गया, आज बहुत सारे लीडर्स मेरी टीम में भी है, आज बहुत सारी कंपनियां आती है चूरन चटनी यार तीसरे दिन खड़ी हो जाती है कि सर आज गारंटी दे रहा हूँ, स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे सर आपकी कितनी गारंटी है कि आप 6 महीने तक रुक पाओगे इसमें? आप स्टाम्प पे लिख के दे रहे हो, आप बताओ आपकी गारंटी है कि आप इसमें कितने दिन रुक पाओगे? आपकी तो कोई गारंटी नहीं है, दूसरों का क्या फ्यूचर खराब? तो फ्यूचर खराब ना करें, क्योंकि हमारा फ्यूचर है या नहीं है, हमारा विजन क्लियर है नहीं, लेकिन हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं उनका मिशन विजन क्लियर है और क्लियर करना है, और वो लोग पूरी लाइफ लगाना चाहते हैं डायरेक्ट चलने में। लेकिन छोटे मोटे उल्टे सीधे किसी लीडर के साथ आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़े और 100% आपको भी वो अचीवमेंट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को सुना, थैंक यू सो मच।